किचन कलर काम होने से पहले की सिचुएशन, और ये इधर नया प्लास्टर किया है ऊपर सीलिंग पे, इसमें पुट्टी का काम शुरू किया है। छोटे छोटे जो क्रैक्स होते हैं दीवार पर सीलिंग पर, उसके लिए एशियन पेंट की एक्रिलिक वॉल पुट्टी का इस्तेमाल किया है। और इस वीडियो में सीलिंग के लिए प्लास्टिक पेंट, एशियन पेंट का प्लास्टिक पेंट का इस्तेमाल करके दीवार पर बर्जर पेंट्स का इस्तेमाल किया है, इजी क्लीन बर्जर। एशियन पेंट्स एक्रिलिक पुट्टी के दो कोट का इस्तेमाल किया है, पहला कोट सूखने के बाद फिर दूसरा कोट, और फिर 150 नंबर पॉलिश पेपर की घिसाई होने के बाद वाटर प्राइमर का इस्तेमाल किया है। हॉल की पहले की सिचुएशन, और इसमें भी छोटे छोटे क्रैक में एक्रिलिक पुट्टी का इस्तेमाल किया है। हॉल की स्ट्रक्चर की दीवार, इस वॉल पर पेंसिल डिजाइन का इस्तेमाल किया है। किचन की सीलिंग पर प्लास्टिक पेंट के दो कोट हो चुके हैं, और ये बाथरूम में भी। बर्जर कंपनी का वाटर बेस्ड प्राइमर, हॉल की दीवार, और ये बेडरूम। एक्रिलिक पुट्टी का इस्तेमाल, और ये गैलरी का सीलिंग। एशियन पेंट फर्स्ट क्वालिटी का प्लास्टिक पेंट जो सिर्फ सीलिंग के ऊपर इस्तेमाल किया है, और ये देखिए शरारती छोटा पेंटर, बहुत शरारती पेंटर है ये। सीलिंग पर प्लास्टिक पेंट का दूसरा कोट, बाहर की जो ग्रिल्स होती है उसके लिए ऑयल पेंट, जो कॉटन कपड़े की मदद से पूरा किया है इसको, ये देखिए ये इस तरीके से। दीवार के लिए बर्जर कंपनी का इजी क्लीन फ्रेश, इसको ये ऑफ वाइट शेड है, इसको बाद में ये लॉक स्टेनर से थोड़ा डार्क किया है।
वाटर प्राइमर के बाद इजी क्लीन का पहला कोट। हॉल में इजी क्लीन का पहला कोट होने के बाद इजी क्लीन का दूसरा कोट डेढ़ सौ नंबर का पॉलिश पेपर एक्रिलिक पुट्टी की घिसाई के लिए और ये बेडरूम की दीवार है। वॉल टेक्सचर के लिए बेस कलर बर्जर कंपनी का सिल्क। हॉल की स्ट्रक्चर की दीवार प्राइमर के बाद बेस कोट का पहला हाथ। पूरा काम कंप्लीट होने के बाद बेडरूम की स्ट्रक्चर की दीवार